मेरी बात सुन कर देखो हंसना नहीं, तुम यहाँ पर किसी संग फंसना नहीं। ओके वेरी गुड। मैं उसका चलान काटू आपकी कसम, जो पी के चलाए गाड़ी बिस्की या रम। ओ बंद कर यार, तुम इतना एंजॉय क्यों करती हो? जरा सा कोई सुर में गा रहे इनका तबला निकल जाता है। एक मिनट जरा, मैं पहले अपनी दुकान से जा लूं। हेलो यार, तुम तो अच्छे घराने की लगती हो, ये रेड लाइट एरिया में क्या कर रही हो? चलो मैंने क्या लेना है, तू जानिए सुरेंदर। खैर सबसे पहले तो अर्चना जी, लोग मुझे सारी उम्र कहते रहे, समझाते रहे कि ये कॉमेडी सर्कस में तू आएगा तो एक दिन सड़क पे आ जाएगा। बंद कर दे, देखो मैं सड़क पे आ गया। लेकिन आप जानती है कि मैं पहले शरीफ आदमी था पुलिस में, अभी मैं भर्ती हुआ हूँ। गोविंदा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां हो जाएं। एक छोटी सी शिकायत भी है हम सबकी तरफ से, ये जो आपका भांजा कृष्णा है, इसको चलो एक्टिंग तो नहीं सिखाई आपने, छोड़ो, लेकिन कॉमेडी क्यों नहीं सिखाई? सिर्फ आपने डांस सिखा के इसको मार्केट में छोड़ दिया यार। इसको पता नहीं है कि स्टार बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे पता है, मैंने बॉम्बे में 20 या 22 दिन स्ट्रगल किए सर। किसी ने मुझे जरा सा हीरो का रोल भी नहीं दिया। आप अच्छे रह गए स्वर्ग फिल्म में, एक ही डायलॉग बोला था, हाँ हाँ मैं एक मुजरिम हूँ, रोल मिल गया, हीरो बन गए। मैं कहता हूँ हाँ मुजरिम हूँ, मुझे अंदर कर देते हैं यार। वाले यार। कोई अंधे आदमी को रोड क्रॉस करा दो भाई। अरे कोई तो आओ। अरे यार आजकल हाथ भी खुद ही पकड़ना पड़ता है। अंधे आदमी को कोई नहीं पूछता साहब। हेलो टाइम कितना हुआ भाई? देखो अंधे आदमी से टाइम पूछ रहा है। ओ साले खुद ही तो कह रहा कोई पूछ नहीं रहा, तो मैंने पूछ लिया तो आगे से लड़ता तू आ? ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी ना ऐसे ही होते हैं। ओए तेरे को कैसे पता हुआ मैं ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ? अबे मैं अंधा हूँ, बहरा थोड़ी हूँ। है क्या बहरा है क्या तू? पीछे से सब मैं सुन रहा था। अच्छा बता, इस रोड का दूसरा साइड किस तरफ है? ये पूछना उस तरफ। अबे उस तरफ जाता हूँ तो वो इस तरफ बोलता है, इस तरफ जाता हूँ तो उस तरफ बोलता है। अबे क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, उंगली नहीं दिखाने का अंधे आदमी को? ओ तूने यार जाना किधर है बोल? मुझे ना अपना गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। ओ ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो? बड़ी चीज है अर्चना जी, इसने साबित कर दिया प्यार अंधा होता है। मजाक मत कर। अरे हुआ क्या? मेरा गर्लफ्रेंड का किसी ने इज्जत लूट लिया है। यार बड़ा दुख लगा मेरे को। तू हौसला रख, हिम्मत ना हार, जा बदला ले उससे। अंधा आदमी मगर सजा नहीं, अंधा आदमी बदला क्या लेगा साहब? सोच रहा हूँ पेमेंट ही ले लूँ। अच्छा एक बात बता, तू मेरे को सड़क पार कराता है कि मैं अब खुद ही जाऊँ? नहीं सर ऐसे हो सकता है, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। आपने अब तो मेरे को सड़क पार नहीं कराएगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी भी मजबूरी है। नहीं तेरे से नहीं होना, चुप कर। मेरी मजबूरी है यार, मैं कोई भी काम बिना पैसे के नहीं करता। तो फिर कॉमेडी सर्कस क्यों कर रहा है? तो वाले अर्चना जी, हमारा शो अंधे लोग भी देखते हैं। एक मिनट, ये मुझे जाने का रास्ता बता दो। जाने का रास्ता अंधा ना बेचारा, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओगे ना तो गोविंदा साहब थोड़ा सीधे होना, सामने एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देगी, अर्चना टावर। मारूंगी। ओके। अरे कैसे दिखाई देगी, मैं तो अंधा हूँ। सॉरी सॉरी। और वहां से ना तुम राइट हो जाना। ओके राइट इस तरफ होता है। हाँ राइट हो जाना। और थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो वहां पे एक पीपल का पेड़ होगा, वहां एक खूबसूरत लड़की तुम्हें दिखाई देगी। अच्छा साले बिल्डिंग तेरे को दिखाई नहीं देती, लड़की है। अच्छा तू आगे एड्रेस बोल। हाँ तो सुन ना, चार कदम आगे जाएगा तो वहां पे ना एक गंदा नाला नजर आएगा। कहाँ पहुंचा तू?
मैं तो अभी भी लड़की के पास हूँ। तू बेवकूफ बना रहा है मेरे को। अरे आगे बोल तू। ये बोल, थोड़ा सा आगे जाएगा ना, नाले के बिल्कुल बाजू में दो गंदे गंदे सुअर लेटे होंगे। नहीं, आज एक ही सुअर लेटा है। तेरे को कैसे पता हुआ? क्योंकि एक तो मेरे सामने खड़ा है। अरे सलाम मार। साला अंधा पे हाथ उठाता है। अगर मैं अंधा नहीं होता ना तो साले देख लेता तेरे को। तेरी माँ का साथी ना। जी मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ, मैं वहां भी बैठा हुआ था तो आप मेरी तरफ देख रहे थे। यार कितना क्यूट आदमी है, कितना स्वीटी है, ये पुलिस में कैसे आ गया? घर की मजबूरियां, बड़ों का आशीर्वाद का पंगा। मैं पहले कारखाने में काम करता था, मेरे पापा मुझसे पैसे मांगते थे, बेचारे बीमार थे शराब के लिए। मैं कैसे दे देता यार, मैंने भी जुआ खेलना होता था। मैं ना करता था उसको गुस्सा आ गया, कहते जैसे मैं तेरे से पैसे मांगता रहता हूँ ना, जा तू सारी दुनिया से मांगता रहे, मैं पुलिस में आ गया। सिग्नल तोड़िए, रुक। अरे मैं गाड़ी में थोड़ी हूँ, हवाई जहाज में हूँ, सिग्नल का क्या लेना देना? नीचे आ तू, नीचे आ जाने तो मैं ऊपर आऊंगा। नहीं नहीं लफड़ा होगा, मैं नीचे आती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? चल पार्किंग कर। चल पीछे 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 पीछे। कम बैक 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 कम बैक। अबे कुतरिया बोल नहीं सकता कि पीछे खंबा है? बोल तो रहा हूँ खंबा 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 खंबा, तू सुनती नहीं। बकवास ना कर जल्दी, शक्ल तेरी साइकिल जैसी है, जहाज लेके घूम रही है, कहाँ से लाई है ये? मजबूरी साहब। माल्या साहब 3 साल से मेरा तनख्वाह रहे हैं। क्या तनख्वाह खा रहे हैं? तो मैं ना उनका जहाज उड़ा के मार के भाग गई हूँ। अर्चना जी देख लो, माल्या साहब इनका पैसा नहीं दे रहे, ये जहाज लेके भाग रही है। हम ये स्टूडियो लेके कहाँ भागे? ओह माय गॉड, गोविंदा। हाँ हाँ इधर वाला। गोविंदा पहचाना मेरे को? राजा बाबू, उसके टाइम पे आया करती थी ना मैं मिलने शक्ति कपूर से। तू पागल हो गई है, पागल हो गई है। किसका नाम ले लिया? किसका नाम तो वो लेते ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा आदमी है वो। सच्ची बोलती हूँ, बहुत सीधा आदमी है वो, तो पिक्चर में ही करता है आओ हच क्या हो, आओ हच क्या हो। पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा आदमी। अच्छा तुम्हें कैसे पता? नहीं तो जवान लड़की को कौन रखता है अपने घर पे फ्री में? नहीं नहीं सच में इतना अच्छा है कि बेचारे के पास एक ही बेड है लेकिन फिर भी मुझे नीचे सोने नहीं देता। मैं तेरा चिलान काटूंगा, लाख रुपए लूंगा, लाख रुपए निकाल। अरे साहब गरीबनी से लाख रुपया क्यों ले रहे हो? अगर मेरे पास लाख रुपया होता तो मैं शक्ति कपूर के साथ थोड़ी होती। मैं तो गोविंदा से नंबर लेती गुलशन ग्रोवर का, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब मेरा टाइम खोटी मत कर, प्लेन का टाइम हो गया, बस अड्डे पे सब वेट कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, चालू नहीं हो रहा, धक्का दे जहाज को। हाँ कमाल हो गया। अच्छा गोविंदा साहब, हम सबको पता है और आपको भी पता है, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर तो आप सुपर नंबर हैं ही, लेकिन डांसर आपके जैसा कोई नहीं। मैं सिर्फ दो ही डांसरों को मानता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, पहले नंबर पे सनी देओल, दूसरे नंबर पे मिथुन चक्रवर्ती। हैरान क्यों हो रहे हो? इसका मतलब आप मिथुन चक्रवर्ती को डांसर नहीं मानते? साहब जी कौन हो आप? गिरधारी लाल जी, कमाल है यार। ये कम माल है, इतना माल लेके घूम रहे हो? ये मालगाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं यार। मैं गोविंदा हूँ, गोविंदा। ओ आप गोविंदा, मैं शर्मिंदा। सर जी मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज ऑटोग्राफ। क्यों नहीं यार, विथ लव गोविंदा। थैंक यू सर, 1000 रुपये दे दो। काहे के? चलान काटा सर।
हटा सावन की घटा खा कुछ बत्ती बुझा के सोचा मंटी पे खड़े ले आंटी बजा रही बार बार घंटी इंटुकले फुटले उठले छोड़ा बल्ले चल एक्सक्यूज मी सर मैंने आपसे 1000 रुपये मांगा ना 500 रुपये और ऐड कर दो कहेगा इतनी सुनने का मैं 500 लेता हूँ मैं किसी की सुनता नहीं हूँ सर मैं सच्ची बताऊँ आपकी सिर्फ आपकी सुनते हैं साहब क्योंकि आप हमारे प्यारे जान से प्यारे दुनिया में न्यारे हीरो हो मैं तो ये कहता हूँ